Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the banner. Legacy. Hey guys, another beautiful day starts with you brilliant people. आज अजंता केव जाना है और फिर उसके बाद औरंगाबाद दो डेस्टिनेशन दोनों कवर करना है आज ही. बहुत मज़ेदार होने वाला है व्लॉग, तो प्लीज़ स्टार्ट टू एंड देखना पूरा. मैं बताऊँगा कैसे गए, वहाँ पे क्या है, कुछ है गाइड मिला तो गाइड अप्रोच करेंगे. ठीक है, फिर मिलते हैं. अभी तो कुछ खाया नहीं है ब्रेकफास्ट, तो देखते अगर रस्ते में कुछ हो गया खाना तो खाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट अजंता केव. चलो मिलते हैं, बाय. रिसेप्शन जो कल रात को नहीं दिखा पाया मैं. चलो अभी जा रहे हैं अजंता केव्स. फाइनली यहाँ पे अजंता केव्स पे पहुँच गए. 2 hours का रास्ता था, पर सीन क्या हो गया, वहाँ पे पूरा रोड मतलब 70-80% अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए स्पीड कम करनी पड़ी. बहुत सारे खड़बुड़े थे रास्ते, तो इसलिए 2 hours के रास्ते को 3 hours लगा यहाँ पे आने के लिए. अभी फाइनली पहुँच गए. अभी हो रहे हैं 12:37, तो अंदर जाके देखते एक्सप्लोर कर सकते. अभी कुछ पहले पीते खाते वगैरह, ठीक है. यहाँ से जाने के लिए केव्स तक बस होती है, तो वही बस लेने के लिए जा रहे हैं. आप आओगे तो कभी तो यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं, तो नहीं तो यहाँ पे लोग रहते हैं जो लोकल शॉप्स है, तो वो आपको हेल्प कर देंगे कि कहाँ से जाना है कहाँ पे नहीं. तो देखो अभी जाते हैं. धूप बहुत है पर इतनी गर्मी नहीं हो रही है कंपेयर टू मुंबई. पूरा ग्रीनरी, यही पार्ट लग रहा है मुझे ग्रीनरी, बाकी सब कुछ ग्रीन नहीं है. यही जो क्लोज पार्ट है ये यही सब ग्रीन है, नहीं तो आप माउंटेंस पे देखे तो ज़रा भी ग्रीनरी नहीं है. पर नासिक में गए थे तो वहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन था, थोड़ा बहुत ही अच्छा है ग्रीन ग्रीन ग्रीन. और अभी वो टिल मार्च पूरा ख़त्म हो जाएगा ग्रीन पार्ट. यहाँ पे बस सेटल होती है, यहाँ पे बस है, मे बी वहाँ से टिकट खरीदना होगा, जाके देखते हैं. ये बस आपको वहाँ तक लेके जाएगी. Thank you.
चुके हैं बस स्टॉप पे, रुक के ये हम वहाँ पर आ गए। पर है 20 rupees है बस टिकट का, नॉन एसी बस है, एसी बस अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, और आपको वेट करना पड़ता है जब तक सब लोग नहीं आते, वहाँ पे बैठना पड़ता है, वहाँ पे बैठने के लिए अरेंजमेंट की गई है। फिर वहाँ पे बैठ के जैसे ही बस आते ही आपको टिकट निकाल के और यहाँ के लिए निकलना है। यहाँ पे आने के लिए अराउंड 7 to 8 minutes गया मुझे यहाँ पे आने के लिए, और बाकी कुछ नहीं। अभी जाते हैं, वहाँ पे एंट्रेंस है तो वहाँ पे भी टिकट दिखाना पड़ता है स्टार्टिंग में, इनिशियल में आपको लेना पड़ता है अजंता का टिकट जब आप एंटर करो। बाहर रुका है वहाँ पे हमारे लिए, मॉम डैड पे रुके हैं, जाते हैं पहले एंटर करते हैं फिर आपको दिखाता हूँ सीन क्या है अंदर का। अगर शूटिंग तो मेरे को तो लग रहा है अलाउ करेंगे वहाँ पे व्लॉग करने के लिए, पर देखते हैं कितना अलाउ करते हैं कितना नहीं, क्योंकि एलोरा में तो किया था। मैं आ गया अंदर, यहाँ पे वॉशरूम है, और आपको या फिर चल के नहीं जाना हो या फिर कोई ओल्ड हो सीनियर सिटीजन तो उसके लिए ये लेके जा सकते हो ऊपर तक, वो रहा वहाँ पे केव्स, वहाँ तक जाना है अपने को। अभी तो फ़िलहाल 1 o'clock होने आ गया है, पर तभी भी इतनी गर्मी हो नहीं रही है जितनी मुंबई में होती है। धूप है पर गर्मी इतनी नहीं हो रही है। देखो मेरे पास बैग इतना वजन है, प्लस मैंने शर्ट पहना है उसमें भी मुझे गर्म नहीं हो रहा। यहाँ का क्लाइमेट ही अलग ही है, यहाँ का नेचर आप इतना क्लोज आ गए नेचर के, माउंटेंस के अंदर। धूप में नहीं आना चाहिए था अक्टूबर, ये सब मंथ अप्रोप्रिएट है और विजिट करने के लिए ऐसे सब चीज़ों नेचर के जो पास है, क्योंकि मतलब भी ठंडा मौसम होता है और ये टाइम पे गर्म होता है, तो बड़ा ऐसे ग्रीनी ग्रीनी भी नहीं कुछ मिलता देखने के लिए। और यहाँ पे मंकी भी होते हैं ऐसे सुनने में आया है। केव्स के पास हम जाते हैं यहाँ से, वहाँ पे भी केव्स है पर वो बाद में कवर करके, यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी वे ये भी खतरनाक है। हम वहाँ से आए थे जा रहे हैं यहाँ पे, पूरा ऐसे एक सी टाइप में फैला हुआ है, हाँ उधर तक है लास्ट, आगे भी होगा। प्लान ये हुआ है कि पहले वो साइड का कंप्लीट कर ले, फिर बाद में ये पीछे का लेनिया, जिसको बोलते लेनिया मराठी में बोलते, वो कंप्लीट करेंगे केव्स। अभी ये वाली केव्स में जा रहे, ये भी दिख नहीं रहा आपको ऑब्वियसली, ये भी हाँ बेबी केवे पर दिख नहीं रहा, ये भी केवे इसके भी ऊपर है, तो जाते हैं देखते हैं। भाई बहुत डेंजरस है, ऊपर है लोकेट बिल्डिंग टाइम में हुआ करता था, एक के ऊपर एक रूम सब बनाया होगा झंडे के वादे, इधर देख सकते हैं पीछे फाइनल
फाइनली आ गया। पर ये रहा व्यू, अब ये गेम में जाते हो देखते क्या। इसकी अभी भी सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ का तो कंप्लीट हो गया जो सीनरी दिखा है, अभी नीचे जाते हैं, नीचे जाके दूसरा एक्सप्लोर करते हैं। नीचे जाना बहुत डेंजरस है, आपको मैं नीचे से भी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये रहा नीचे जाने का, यहाँ पे कुछ तो है बंद है, हम नीचे जाते हैं फिलहाल। स्लिपरी भी है सो अभी आओगे तो भी कैफ बाहर आ गए, अभी जाते हैं आगे। यहाँ पे जाके मैंने देखा अभी जो पीछे आगे था ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पे, तो इसलिए हम आगे जा रहे हैं। आगे वाली जो वो आधा सी है वो कंप्लीट करते हैं। अरे मैंने क्लासेस करना भूल गया, वो केव्स में अंदर जाके निकालना पड़ रहा है, इसलिए मैं ऊपर कर देता हूँ। और फिर जब आ रहा था मैं भूल गया, चलो फिर आगे जाते हैं अभी और फिर आगे के केव्स कंप्लीट करते हैं। मैंने अभी तक तो आधा ही देखा, कंप्लीट हुआ नहीं है मेरा देख के। पर देन टू मुझे अंदर से फीलिंग आ रहा है कि एलोरा बेस्ट था, क्योंकि वहाँ पे जो टेंपल्स थे मतलब फटे लग रहे थे। यहाँ पे भी है पर यहाँ पे सब सिमिलर केव्स है अकॉर्डिंग टू मी। अभी हरे का पॉइंट ऑफ व्यू होता तो मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोला। वहाँ पे अलग अलग टाइप के टेंपल्स थे, बहुत सारे थिंग्स थे जिनका मेरे को प्रॉपर वर्ड नहीं पता। यहाँ पे भी है पर हम कंपेयर करें एलोरा और अजंता को तो मैं प्रेफर करूँगा एलोरा, क्योंकि सही है सच में। ये भी सही होगा पर मैं मार्च में आया इसलिए मॉनसून सीजन में आएंगे तो और बेटर होगा, पर और इसके भी हो जाएगा साथ में। यहाँ पे मेन मिडल में आ गए हम, यहाँ पे मिडल में वहाँ से फिर देखा था, हम वहाँ से आए थे फिर यहाँ से क्रॉस किए फिर यहाँ से हाँ वो बाकी है अभी अंदर। अभी बीच के छोटे मोटे स्किप कर रहे हैं क्योंकि सेम ही लग रहा है, तो इसलिए एक बड़े वाली है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं। तस जर ठरलं तर मग हे गेट मधून मध्ये येणारच नाही म्हणतो, दुसरीकडे किंवा काही स्तूप आहे गेट लहान एक्चुअली ये मूर्ति होलो है, मतलब आप पीछे से जा सकते हो, होलो मतलब पीछे से जाके आप एक राउंड मार के आ सकते हो चक्कर। और ये यही स्टोन पे बनाई है, ये बाहर से नहीं लेके आया गया है, यही एक ही रॉक पे बनाया गया है। और ये पेंटिंग्स है ये बालूजी के, आपको दिखेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, इस पर भी लाइट है, इस पर भी है पेंटिंग थोड़ा थोड़ा बचा, एयर प्योरीफायर। गाइस ये एक केव है जिसपे हर पिलर अलग है, हर पिलर अलग डिज़ाइन के है। ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, हर कुछ अलग है। और यहाँ पे लिखा गया है सनलाइट आ रहा है, आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो, पढ़ना होगा तो आपको। अब जाते हैं केव के अंदर, सब अलग है, ये कुछ अलग ही है। ये केव भी मुझे सबसे अलग लग रहा है।
ये अभी एक लास्ट केव है, ये एक बचा है तो ये कंप्लीट करते हैं। लास्ट 26 लेफ्ट पर्सन लास्ट केव तो हो गया है, बाकी का और केव दिखा के मतलब है नहीं क्योंकि सब सेम है पर साइज डिफरेंस है। ज़्यादा कोई स्पेशलिस्ट नहीं था मैं तो, अभी बोर हो जाते देखते देखते, तो इसलिए जो मेन था मैंने 26 नंबर का केव वो दिखा दिया। सब केव्स हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ द केव सब सेम ही है, बस साइज का डिफरेंस है, नथिंग एल्स। बट जो एक लास्ट में जो मैंने दिखाया आपको लास्ट में, वो एक मज़े अलग था और एक सेकंड लास्ट का, बस बाकी सब सेम है। मैंने बार बार रिपीट नहीं किए, वो ही सेम केव से आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने शॉर्टकट कर दिया। और यहाँ पे मंकीज भी बहुत है तो मोबाइल खींच के लेके जा सकते हैं, इसलिए कभी आओगे तो संभाल के बैग मत दिखाना, उन्हें बैग दिखेंगे तो आपके पीछे लग जाएंगे। बैग के साथ भी हुआ था कि वो लेने के लिए आ गया था बैग, तो इसलिए बी अवेयर ऑफ दैट। अभी जा रहे हैं नीचे खाने के लिए, नीचे के छोटे होटल से, तो वहाँ पे जाते हैं और खाते हैं कुछ।